सो हेलो गाइज, वेलकम टू सुहाना सैम ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी, यम्मी, स्पाइसी, मसालेदार एकदम वन पॉट पास्ता लेके आई हूँ। बनाना बहुत इजी। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकर के अंदर तो एक चम्मच ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, बटर को मेल्ट होने देंगे। उसके अंदर चॉप की हुई गार्लिक ऐड करेंगे, चॉप ग्रीन चिली ऐड करेंगे, उन अच्छे से मिक्स करेंगे। उसी के अंदर अनियन ऐड करेंगे, दो बारीक कटा हुआ मैंने पहले से काट लिया था। उसी के अंदर आप लोग पास्ता ऐड कर दीजिए, फिर उसे अच्छे से मिक्स करना है आपको। अब उसके अंदर वेजीज ऐड करेंगे जो आपको पसंद है। अगर आप लोगों को इनमें से कुछ वेजीज नहीं पसंद तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कैप्सिकम ऐड किया है, कॉर्न ऐड किया है और कैरेट ऐड किया है। उसके अंदर टोमेटो मैंने ऐड किया है, एज योर विश आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं वन पॉट पास्ता बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी है, 5 मिनट में बनके तैयार होता है ये। उसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, जितना आप खाते हैं। उसके अंदर सॉसेज ऐड करेंगे, ब्लैक चिल्ली पेपर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ओरिगेनो ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा टेस्ट है ना वन पॉट पास्ता को बहुत यम्मी और स्पाइसी एकदम चटपटा बने। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अब इसे अच्छे से मिक्स करना है आपको। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी डालने के बाद थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा और ऐड करेंगे बस। फिर कुकर ऑफ कर देंगे, 2 विसल तक आने तक का वेट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 2 विसल आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका वन पॉट पास्ता नाम क्यों, क्योंकि ये कुकर के अंदर बनके तैयार हो जाता है 5 मिनट के अंदर, इसीलिए इसका नाम है वन पॉट पास्ता। ये देखिए 2 विसल लग चुकी है, ये देखिए हमारा पास्ता एकदम रेडी है खाने के लिए। और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी और टेस्टी बनके रेडी होता है। दिस इज़ वेरी डिलीशियस एंड वेरी यम्मी यम्मी यम्मी। तो प्लीज़ बनाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखिए अब इसे आप लोग सर्व करें और इन्जॉय करें।